पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेन फेडरेशन के ऊपर तीन स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली कहती है फेडरेशन कैन बी फॉर्म बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन और बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। जो फेडरल स्ट्रक्चर है या फेडरेशन है किसी भी जगह को फेडरेशन बनाने के लिए हम इंटीग्रेशन का स्ट्रक्चर यूज करते हैं या डिसइंटीग्रेशन का, क्या मतलब है देखेंगे इसको। अ बिग यूनिटरी स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू फेडरेशन बाय ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस टू प्रमोट रीजनल इंटरेस्ट। एक बिग स्टेट को आप फेडरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, ऑटोनॉमी देकर। हो सकता है द यूएस इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट फेडरेशन इन द वर्ल्ड। जो यूएस है वो पहला और सबसे पुराना फेडरेशन है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए दो तरीके होते हैं फेडरेशन बनाने के, एक होता है इंटीग्रेशन स्ट्रक्चर, एक होता है डिसइंटीग्रेशन स्ट्रक्चर। और यहां पे जो नीचे आप पढ़ने वाले दिस इज द डिसइंटीग्रेशन स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, एक बहुत बड़ी यूनिट है, यूनिटरी स्टेट है, वो अपनी पावर को छोटे छोटे स्टेट्स को दे रहा है, ठीक है, बेसिकली डिसेंट्रलाइज कर रहा है पावर को और उनको ऑटोनॉमी दे रहा है वेरियस स्टेट्स को। मान लीजिए ये रीजनल पावर 1, रीजनल पावर 2, रीजनल पावर 3, सो ऑन अप टू रीजनल पावर 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज करी जा रही है, ऑटोनॉमी दी जा रही है वेरियस प्रोविंसेस को, ताकि वो अपने रीजनल इंटरेस्ट के बारे में सोच सके, ठीक है। तो यहाँ पे पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। इसको इंटीग्रेशन तरीके से भी किया जा सकता है, डिसइंटीग्रेशन से भी किया जा सकता है। थर्ड आता है द यूएस इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट फेडरेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। यूएस सबसे पुराना फेडरेशन है और सबसे पहला फेडरेशन है दुनिया का। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा एक। चलते हैं।